हेलो फ्रेंड्स वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल एस एल बी क्लासेज गाइज टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम आमसिक यूज बेस्ड ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड फॉर एन टी ए यू जी सी नेट जे आर एफ एग्जाम बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई एम वॉन्टेड टू से समथिंग अबाउट माई यूट्यूब चैनल एस एल बी क्लासेज गाइज इफ़ यू रियली लाइक माई कंटेंट्स एंड वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड माई फेसबुक ग्रुप अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें नाउ गाइज आज, आज का क्वेश्चन देखेंगे आज का क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए। बेस्ड ऑन नेट एग्जाम दिसंबर ठीक है? तो यहां पर दिसंबर टू थाउजेंड नाइन का क्वेश्चन क्या है यूनिवर्सिटी विच टेलीकास्ट इंटरेक्शन एजुकेशनल प्रोग्राम थ्रू इट्स ओन चैनल इज ओसमेन यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे एनमलाइ यूनिवर्सिटी या इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी तो यहाँ पर बात हो रहा है बहुत ध्यान से देखिए यूनिवर्सिटी विच टेलीकास्ट इंट्रैक्शन एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू इट्स ओन चैनल ओन चैनल उसके खुद के चैनल की बात कर रहा है तो यहाँ पर इग्नो एक, एक ऐसा है जिसका खुद का चैनल है ओके okay, गाइज यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच वन ऑफ़ द फ्लोइंग स्किल्स आर नीडेड फॉर प्रेजेंट ए टीचर टू एडजस्ट इफेक्टिवली विद द क्लास रूम टीचिंग ठीक है तो यहाँ पर बताना है कि कौन सी फ्लोइंग स्किल्स है जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरतें आवश्यकता है प्रेजेंटेड टीचर के लिए ताकि वे एडजस्ट कर सके इफेक्टिवली विद द क्लास रूम टीचिंग के लिए ओके नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग नॉलेज ऑफ स्टूडेंट नीड्स या कंटेंट मास्टरी ओके तो यहाँ पर गाइज होगा नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी की नॉलेज अगर टीचर रखेगा भी तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि वो बच्चे को बताए क्योंकि ये सिलेबस में नहीं आता है ठीक है एक्स्ट्रा नॉलेज वो दे सकते हैं लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि स्किल्स आर नीडेड फॉर प्रेजेंट डे टीचर ठीक है प्रेजेंट डे यानी मॉडर्न अभी जो मॉडर्नाइजेशन चल रहा है इसके अकॉर्डिंग इस हिसाब से कौन सी फ्लोइंग स्किल्स होनी चाहिए जो क्लासरूम टीचिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जा सके तो पर होगा यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग यानी यहाँ पर टीचिंग लर्निंग में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है उसकी बात कर रहा है ये होगा होगा ठीक है नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स नीड यानी जो स्टूडेंट्स की नीड होती है उसकी नॉलेज ठीक है और कंटेंट मास्टरी होना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो इसका क्या होगा ऑप्शन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ठीक है विच ऑफ द आर नीडेड तो कौन कौन सा है नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजीज में नीड जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्लासरूम टीचिंग की बात कर रहा है ठीक है तो टू थ्री फोर इज द राइट आंसर यानी ऑप्शन राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नौ गाइज क्वेश्चन थ्री देखते हैं हु has signed एन MOU for यू फॉर teacher ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एंड डबल ए सी यू जी सी एन सी एंड 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 इग्नो ठीक है गाइस तो इसका राइट ऑप्शन होगा एन सी टी ई एन एंड डबल ए सी हु हैव साइंड एन एम ओ यू ठीक है तो एम यू एम ओ यू के लिए क्या है एक्रेडिएशन के लिए ठीक है एक्रेडिएशंस ऑफ एजुकेशन ठीक है टीचर्स की जो एजुकेशन होती है इंस्टीट्यूशन में इंडिया में उसकी बात कर रहा है किसने साइन किया था तो यहाँ पर है एन ए ए सी और एन सी टी ई ने ओके गाइज इतना आप लोगों को समझ में आ गया ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बहुत ध्यान से देखिए

कि वो हेल्प करे स्टूडेंट को सभी तरफ से यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट में ठीक है पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है साथ साथ में उसकी एक्स्ट्रा मोटर स्किल्स को भी बढ़ाना चाहिए ओके okay, तो ही इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माइक्रो टीचिंग इज मोर इफेक्टिव तो माइक्रो टीचिंग कैसे इफेक्टिव है ड्यूरिंग दिपरेशन फॉर टीचिंग प्रैक्टिस ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिस या आफ्टर द टीचिंग प्रैक्टिस या ऑलवेज तो यहां पे बात हो रही है गाइज Teaching, जो होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव कब होता है जब वो टीचिंग प्रैक्टिस करे यानी माइक्रो टीचिंग इज मोर इफेक्टिव ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिस यानी ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर गाइस क्वेश्चन सिक्स देखिए वॉट क्वालिटी द स्टूडेंट्स लाइक द मोस्ट इन अ टीचर आइडियलिस्ट फिलोसफी कंपेशन डिसिप्लिन या एंटरटेनिंग ठीक है तो क्या होगा इसका ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर ठीक है गाइज तो इसका हो जाएगा कौन सी क्वालिटी स्टूडेंट पसंद करते हैं टीचर के अंदर डिसिप्लिन ओके सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर क्वेश्चन सेवन देखिए गाइज विच ऑफ़ द फ्लोइंग इज मोर इंटरेक्टिव एंड स्टूडेंट सेंट्रिक इसमें से कौन सा बहुत ही ज्यादा इंटरेक्टिव है और स्टूडेंट सेंट्रिक है सेमिनार वर्कशॉप लेक्चर या ग्रुप डिस्कशन ठीक है जी डी तो यहाँ पर बोल रहा है मोर इंटरेक्टिव भी होना चाहिए और स्टूडेंट सेंट्रिक भी होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा ग्रुप डिस्कशन ठीक जिसमें कि क्या होता है स्टूडेंट्स क्या होते हैं एक्टिव होते हैं ओके okay? तो ग्रुप डिस्कशन इज द राइट आंसर है यहाँ पर फॉर एंड इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन एट टाइम्स इट इज डिजायरेबल टू यूज प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी ठीक है यहाँ पर बोल रहा है इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए ठीक है क्या करना चाहिए प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए वो डिजायरेबल है इसका रीजन क्या दे रहा है यूजिंग दी प्रोडक्शन प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट एक्सटेंसिव कवरेज कोर्स कंटेंट तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो अगर हम लोग प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो वो एक्सटेंसिव कोर्स कवरेज करेगा यानी ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में कोर्स को कम्प्लीट करेगा तो यहाँ पर एसर्शन तो ठीक है लेकिन इसके पीछे का रीज़न ये नहीं होगा कोर्स तो कंप्लीट होता है बस इसका एसर्सन जो गिवेन है उसका अप्रोप्रिएट रीज़न यहाँ पर नहीं दिया है तो इसका होगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू ठीक है दोनों ही ठीक है यानी कोर्स तो कंप्लीट होगा लेकिन क्या है कि बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए यानी एसर्शन का करेक्ट रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है दोनों स्टेटमेंट ठीक है ठीक है बहुत ध्यान से देखिए रीजन भी जो बोल रहा है रीजन में यूजिंग द प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी क्या होता है फैसिलिटेट्स करता है जो कवरेज होती है कोर्स की वो बहुत जल्दी जल्दी कर देता है ठीक है ये तो बहुत सही है और ऊपर का क्या बोल रहा है इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या होता है प्रोजेक्ट प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए ठीक है ये दोनों ही ठीक हैं लेकिन दोनों अपने अपने जगह पे ठीक है एसर्शन का करेक्ट रीज़न ये नहीं है यानी ऑप्शन बी आपका ठीक हो जाएगा यानी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट यानी आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ठीक है यहाँ पर होगा ए यानी एसर्शन तो ऑप्शन बी आपका राइट right हो जाएगा गैस ये रहा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूंगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को टाइम टू टाइम देखिए और पसंद आए तो उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें Thank you guys for watching my video.